Hello everyone, welcome back again in my channel. So today we will read about The Devoted Friend, written by Oscar Wilde. ये एक फेरी टेल है और चलिए शुरू करते हैं. इस स्टोरी में एक लिनेट होती है. लिनेट मीन्स एक बर्ड, और एक डक एंड एक वाटर रैट होता है, जो कि एक बहुत बड़े रिवर के पास इकट्ठा होते हैं सारे लोग. तो क्या होता है कि जो वाटर रैट होता है वो लिनेट से डिस्कस करता है, पूछता है फ्रेंड कैसा होना चाहिए, एक फ्रेंड कैसा होना चाहिए. तो जो वाटर रैट होता है वो अपने मन की बात लिनेट से कहता है, जो बर्ड होती है उससे कहता है कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए फ्रेंड, वन साइड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ऐसा होना चाहिए कि आपके लिए वो सब कुछ करे और रिटर्न में वो कुछ भी ना डिमांड करे, मतलब कुछ भी ना मांगे. तो जो लिनेट होती है वो सुनती है, जो वो बर्ड होती है वो सुनती है और वो वाटर रैट को एक स्टोरी सुनाती है, और वहीं पे डक जो होती है वो भी सुनती है. तो बर्ड ये स्टोरी सुनाती है. इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम होता है हंस, और जो कि गार्डनर होता है, और दूसरा उसका जो फ्रेंड होता है हंस का, उसका नाम होता है हेयुक. जो हंस का फ्रेंड होता है वो बहुत ज़्यादा रिच मिलर होता है, और जो उसका फ्रेंड होता है हंस का, जो मिलर होता है, वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होता है. वो सेल्फिश टाइप का होता है, और जो हंस होता है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है और बहुत दिल का बहुत अच्छा होता है. नेचर बाय भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. और हंस का जो गार्डन होता है बहुत बड़ा होता है, पर क्या होता है जैसे विंटर आ जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है विंटर में. और जब भी मिलर वहाँ पे विज़िट करता है हंस के उधर, तब भी वो एक बास्केट ले आता है, और क्या होता है बास्केट ले आता है और उसे कहता है मुझे कुछ फ्लावर चाहिए, पर जो हंस होता है वो कभी भी मना नहीं करता, कभी भी इनकार नहीं करता, और क्योंकि वो दिल से ट्रू फ्रेंडशिप मानता है. तो वो जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना, सबका एक एक फ्लावर तोड़कर उसकी बास्केट में डाल देता है, उसकी बास्केट पूरी भर देता है ऊपर तक. वो केयर नहीं करता, वो अपने फ्रेंड को दे देता है. फिर जो और भी फ्लावर्स निकलते हैं बचे कुचे, जो फ्लावर्स उसके लिए बच जाते हैं उसको वो तोड़ के अपनी बास्केट में डाल के वो सेल करता है आगे. जब विंटर आता है तो क्या होता है, जब विंटर आता है मिलर वहाँ पे बिल्कुल नहीं मंडराता, क्योंकि हंस को प्रॉब्लम होती है. तो वो अपने घर में ही रहता है मिलर, अपनी फैमिली के साथ खाता है पीता है हंसता है और सारे काम करता है, बट वहाँ पे विज़िट नहीं करता. वो इसलिए विज़िट नहीं करता, अगर कल को मैं उधर चला जाऊँ तो हंस मेरे से हेल्प मांगेगा, मेरे से पैसे मांगेगा, इसलिए वो वहाँ पे विज़िट नहीं करता. जब भी समर आता है तो वहाँ वो चला जाता है बास्केट लेकर उसके फ्लावर लेने के लिए. और जब विंटर आता है तो हंस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और क्योंकि उसके फ्लावर्स जो होते हैं वो निकलते नहीं हैं, बहुत मुरझा जाते हैं. तो एक दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो हंस परेशान हो जाता है, तो अपनी जो व्हील, जो गाड़ी होती है, व्हील गाड़ी होती है जिसमें वो फ्लावर रख के बेचता है, वो बेच देता है, क्योंकि उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता है. तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको वो बेच देता है. फिर उसके बाद जब समर आता है सब कुछ नॉर्मल होने लगता है. फिर उसके बाद उसका फ्रेंड आता है उससे मिलने, मिलर जो बहुत ज़्यादा रिच होता है, मिलने आता है बड़ी सी बास्केट लेके. फिर से वो सेल्फिश फ्रेंड आता है बास्केट लेकर, वो हंस से कहता है मुझे कुछ फ्लावर्स इसमें डाल दो, और हंस बताता है कि पता है तुम्हें मेरे घर में खाने को नहीं था, तो मैंने अपनी व्हील गाड़ी जो थी मेरे पास, जो गाड़ी थी मैंने वो बेच दी है. तो जो मिलर होता है वो कहता है ठीक है, मेरे पास एक पड़ी हुई है गाड़ी, मैं तुम्हें दे दूंगा, पर उसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम्हारी वो जो लकड़ी रखी हुई है क्या तुम मेरे घर का रूफ, जो घर की छत है वो थोड़ी सी
टूट गई है। तो जब भी बारिश होती है तो पानी घर के अंदर आ जाता है। क्या तुम मतलब इसके जो मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा इसके बदले क्या तुम इतना काम कर सकते हो कि ये लकड़ी का टुकड़ा जो तुम्हारे घर के अंदर पड़ा हुआ है क्या तुम इसको लेकर मेरे घर का रिपेयर कर सकते हो? तो क्या होता है, जो हंस होता है वो मान जाता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है। अरे वाह, कितना अच्छा फ्रेंड है मिलर, मुझे मतलब गाड़ी दे रहा है। पर मिलर कहता है कि मैं वो जो गाड़ी है ना वो थोड़ी सी मतलब टूटी फूटी है, बट तुम उसको रिपेयर करवा लेना। तो हंस कहता है ठीक है मैं रिपेयर करवा लूँगा। वो हंस बहुत खुश हो जाता है और जो हंस के घर के अंदर एक छोटी सी लकड़ी पड़ी होती है वो ले लेता है और वो मिलर के घर जाता है और उसका जो रूफ़ टूटा हुआ होता है, छत टूटी हुई होती है, उसको रिपेयर करता है। और जो मिलर होता है उसे बहुत ज़्यादा काम करवाता है, पूरा दिन निकल जाता है, वो उसका पूरा टाइम वेस्ट कर देता है। फिर भी हंस कुछ नहीं बोलता, वो काम में लगा रहता है, वो उसका काम कर देता है। जो मिलर है वो बहुत काम करवाता है हंस से, बहुत ज़्यादा काम करवाता है। फिर भी वो उसको, जो मिलर ने हंस से बोला था कि मैं तुम्हें अपनी व्हील गाड़ी दे दूँगा, वो नहीं देता है क्योंकि जो मिलर है वो उसको टरकाता रहता है। और मिलर बहुत मतलब हर दिन उसके पास जाता है, जब भी समर आता है उसके पास जाकर मिलर एक ना एक अपना काम जाके उसको बताता था हंस को कि क्या तुम ये कराओगे, क्या तुम प्लीज़ ये कराओगे। तो हंस कभी भी मना नहीं करता तो वो कराता था और ऐसे ही उसका टाइम मिलर बर्बाद कर देता था। एक दिन हंस अपने गार्डन में काम कर रहा था क्योंकि उसको अपने फ्लावर का भी देखभाल करनी थी, पर मिलर जो होता था वो कुछ ना कुछ काम बता देता था हंस को, तो वो अपने गार्डन का टेक केयर नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन मिलर ने उसको बोला कि आज लगता है तुम काम कर रहे हो अपने गार्डन में। तो हंस कहता है हाँ, क्योंकि कुछ दिन से मैं देख नहीं पा रहा था, इसलिए आज मैं अपने गार्डन का थोड़ा टेक केयर कर रहा हूँ और पानी वानी डाल रहा हूँ। उसी रात में क्या होता है एकदम से कि जो मिलर होता है उसका बेटा बीमार हो जाता है। आधी रात होती है, हंस अपने घर में सो रहा होता है तो मिलर आता है हाथ में लालटेन लेकर, और बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम होता है, बारिश हो रही होती है, तो जो मिलर होता है वो छाता लेकर लालटेन लेकर उसका घर ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। और जब हंस एकदम नींद से खुलता है वो जाता है और दरवाज़ा जब खोलता है तो मिलर खड़ा होता है सामने। तो वो कहता है कि हंस क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो प्लीज़, क्या तुम डॉक्टर को बुलवा सकते हो क्योंकि मुझे अपने बेटे को देखना है, उसकी तबीयत बहुत सीरियस है प्लीज़। तो जो हंस होता है वो मना नहीं कर पाता, वो कहता है हाँ हाँ मैं चला जाता हूँ। वो अपना कोट पहनता है और हंस कहता है कि क्या तुम मुझे लालटेन दे सकते हो क्योंकि रोड में बहुत ज़्यादा सन्नाटा है और बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है। तो जो मिलर होता है वो मना कर देता है, वो कहता है बुरा ना मानना, ये मैंने ना परसों ये न्यू खरीदी थी तो तुम ऐसे ही चले जाओ। तो हंस कहता है ठीक है, वो अपने जूते पहनता है और चला जाता है वो डॉक्टर के पास। अब रास्ते में इतना अंधेरा होता है, फिर भी वो चलते 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 रास्ते में जाते जाते उसको डॉक्टर का घर मिल जाता है। तो जब वो डॉक्टर का गेट नॉक करता है उसको बोलता है कि मिलर मेरा एक दोस्त है, उसके बेटे की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, वो तैयार हो जाता है। डॉक्टर तैयार हो जाता है और डॉक्टर अपने घोड़े पर बैठ कर वहाँ जाता है, घोड़ा आगे जाता है, डॉक्टर मीन्स आगे जाता है और जो हंस होता है वो पीछे पीछे पैदल पैदल चलता जाता है। चलते टाइम क्या होता है, एक बहुत बहुत बड़ा एक गड्ढा होता है, तो गड्ढे में क्या होता है पानी भरा होता है। तो हंस इतना अंधेरा होता है तो हंस देख नहीं पाता कि आगे गड्ढा है, तो हंस का पैर उसमें पड़ता है और वो गड्ढे के अंदर गिर जाता है। और जब वो गड्ढे के अंदर गिर जाता है तो हंस की डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है, जब ये न्यूज़ सुनने को मिलती है मिलर को कि हंस एक पोल में गिर गया है और उसकी डेथ हो गई है, तो जब उसकी डेथ बॉडी लाई जाती है उसके घर में, हंस के घर में, तो मिलर इतना ज़ोर ज़ोर से रोता है,
मतलब ऐसे रोता है कि यही है जिसको फ़र्क पड़ा इसके मरने पर। तो ये थी स्टोरी कि हंस ने अपनी परवाह नहीं करी और वो अपने फ्रेंड के लिए गया कि उसका बेटा बीमार है, और उसने परवाह नहीं करी कि बाहर इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ हो जाएगा। उसने बिल्कुल परवाह नहीं करी और वो गया, डॉक्टर को बुलाया और इसी दौरान उसकी डेथ हो गई। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है, बताती है कि हमको कभी भी मीन्स एक तरफा नहीं होना चाहिए। आपका फ्रेंड जो आपके लिए सब कुछ करे पर रिटर्न में कुछ भी ना ले, तो ये होता है रियल फ्रेंडशिप। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।